हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सेवन स्टैंडर्ड साइंस लेसन नंबर सिक्स दैट इज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज़ सो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्वेश्चन आंसर ओनली ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ओवर हियर हाउ आर द वेरियस आर्टिकल्स एंड मटीरियल्स शोन इन द पिक्चर मेजर्ड सो आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे मटीरियल्स दिए गए हैं ओके फर्स्ट वन इज़ ब्रिंजल ओके

सो so, आप देख सकते हो जितने भी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएगा तो आप वो सारे देख सकते हो प्ले लिस्ट में अपलोडेड है ठीक है अलग अलग प्ले लिस्ट में सारे बने हुए साइंस जोग्राफी सबका तो ये सारी चीज़ें हम भले से बोलते हैं उसको कि मेजर कितना वेट है इसका बट वो हम उसका मास मेजर करते हैं ठीक है कितने ग्राम का है किलोग्राम का है ना सेकेंड वन इज़ द स्पूल ऑफ थ्रेड हैज थ्रेड विच इज़ मेजर्ड इन मीटर्स ये जो दिक्रैम ये मीटर में हम मेजर करते हैं इसे द बंच ऑफ ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स आर मेजर्ड इन नंबर्स वन बंच टू बंच थ्री बंच इस तरीके से हम करते हैं ना एक बोलते ना एक गुंडी तो आ, पन, दस रुपए का दो और ले लेते हैं बीस रुपए का हो जाता है इस तरीके से हम लेते हैं मिल्क इन द ग्लास ऑफ मेजर्ड इन लीटर्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड थिंग्स लिक्विड मटीरियल लाइक वाटर ऑयल ओके डीजल पेट्रोल वाटर ये सारी चीज़ें हम लीटर में यूज करते लीटर में मेजर करते हैं देर इज़ अ डायमंड ऐसे कैंसि ही है देर इज़ अ डायमंड इन द गोल्ड रिंग द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट्स बोलते ना कितने कैरट का है सर ट्वेंटी फोर कैरेट्स मीन्स हंड्रेड परसेंट प्योर गोल्ड इन केस ऑफ डायमंड कैरेट इज द मेजर ऑफ़ द मास ऑफ डायमंड वन कैरेट डायमंडल टू जीरो पॉइंट टू जीरो ग्राम और 200 मिलीग्राम ओके नाउ दिस इज़ क्लोथ ओके एंड इट्स मेजर्ड इन मीटर्स ये भी हम किस में बोलते ना न एक मीटर दो मीटर छः मीटर पाँच मीटर इतने में मिलता है तो ये सारी जो हमने पढ़ी हुई हैं डिटेल में हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी ज़्यादा एक्सप्लेन पूरा अगर करती हूँ तो काफ़ी लेंदी हो जाता है वीडियो तो भी आपको प्रॉब्लम होती है ठीक है कितना लेंदी वीडियो है अ डैश मीन्स यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू एंड अ यूनिट आर यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वान्टिटी ये फिजिकल क्वान्टिटी स्केलर क्वान्टिटी हम पढ़ चुके हैं द डैश यहाँ पे क्या आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ओके ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस मास इज कॉल्ड इट्स वेट थर्ड द क्वान्टिटी स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे आएगा एंड टाइम यहाँ पे आएगा ठीक है डिस्टेंस यहाँ पे टाइम यहाँ पे स्टैंडर्ड डैश क्या आएगा यहाँ पे फंडामेंटल यहाँ पे क्या आएगा फंडामेंटल यूनिट मस्ट नॉट बी वेरिएबल न फिफ्थ वन इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन सेवन फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल यहाँ पे आएगा ना गिवन सेकेंड क्वेश्चन इज द वर्ड इन द फॉलोइंग वन वर्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन करेक्ट करेक्ट द वर्ड एंड द स्टेटमेंट्स एक वर्ड यहाँ पे रॉन्ग मिलेगा उसको सही करने से यहाँ पर देखो लेंथ इज अ वेक्टर क्वान्टिटी तो यहाँ पे एक वर्ड रॉन्ग है यही यहाँ पे क्या आएगा स्केलर लिख दिया स्केलर ठीक है यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है ये इसका आंसर है पूरा यही बोला गया है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया वन वर्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इसमें एक वर्ड रॉन्ग है आपको क्या करना है करेक्ट वर्ड लिखना है वापस से उसको पूरा ठीक है देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया फर्स्ट क्या लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो आंसर क्या लिखेंगे इसका लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम नो इट्स कॉल्ड मास तो यहाँ पे देखो लिखा है एक ही वर्ड यहाँ पे रॉन्ग है एक ही वर्ड यहाँ पे राइट कर देना है मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेट इज अ स्केलर क्वांटिटी सो यहाँ पे क्या बोला गया है वेक्टर क्वांटिटी बोला गया है ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है एंड वेट इज अ स्केलर क्वांटिटी देन वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे क्या रोंग है देख लिया हमने सो so, आप इसका पूरा आंसर देख सकते हो क्या क्या रोंग है यहाँ पे ठीक है जैसे मैं बताऊँ आपको फोर्थ में इन एम के एस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर्स ठीक है मास इन अब यहाँ पे ग्राम्स की जगह क्या आएगा किलोग्राम्स अब देखो यहाँ पे, हाँ पे अब यहाँ पे आप देखिए मास की जगह पे क्या आया किलोग्राम एडजस्टमेंट ग्राम्स की जगह पे आया किलोग्राम एंड टाइम इन सेकेंड्स बाकी सब सही है यानी कि एक आपका ये किलोग्राम ये वाला राइट करना है ये रॉन्ग है आपका एक और एक क्या रॉन्ग है यहाँ पे ये सेंटीमीटर वाला तो यहाँ पे वो दोनों करेक्ट किया गया है फिफ्थ देखते हैं यहाँ पे। फिफ्थ देखिए ये यह यहाँ पे दिया गया इसका क्वेश्चन एज द स्टैंडर्ड ऑफ मास सॉलिड सिलेंडर तो ये देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ का आंसर यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हो क्या इसका करेक्ट करना है आप देख सकते हो यहाँ पे। हु इज़ मे माई कंपेनियन तो यहाँ पे देखो आपको मैच करना है वेलोसिटी किस में आएगा मीटर पर सेकेंड एरिया स्क्वायर मीटर वॉल्यूम लीटर मास किलोग्राम डेंसिटी किलोग्राम क्यूबिक मीटर्स यहाँ पर आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है बहुत बच्चों को इस तरीके से सामने सामने रहता है तो उन्हें कन्फ्यूज़न होता है सो यहाँ पर मैंने मैच भी कर दिया है और यहाँ पर सामने आंसर भी है आप देख सकते हो ठीक है अब इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए एम के एस का किस में आएगा किलोग्राम में आएगा ठीक है इस तरीके से आपको ये देख के मैच करना है यहाँ पे मैच किया हुआ है सामने सामने आंसर लिखा हुआ है सो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन गिवन एग्जाम गिविंग एग्जाम्पल्स स्केलर क्वांटिटी क्या है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देना है आपको सो so ये देखिए किस पे एक्सप्रेस होता है मैग्नीट्यूड पे ठीक है फॉर एग्जाम्पल लेंथ ब्रेथ एरियाज मास ट्रेचर डेंसिटी इन सब पे स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है दैट इज वैल्यू विद यूनिट इज़ यूज टू एक्सप्रेस इट वेक्टर क्वांटिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्रेस किया जाता है कम्प्लीटली किसपे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ की ठीक है यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी दिया जाता है कितना जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है डायरेक्शन भी यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट दिया गया है सो so, क्या है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर्स टू द नॉर्थ यहाँ पे क्या बता रहा है डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि कितना किलोमीटर वो गया यहाँ पे डायरेक्शन भी बता रहा है किस दिशा में गया नॉर्थ में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर टू द ईस्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ट्वेंटी किलोमीटर हुआ किस डायरेक्शन में हुआ सो दैट इज ईस्ट सो हियर द डिस्टेंस इज द सेम बट द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ओके अब सेकेंड का हमने यहाँ पे पॉइंट वन देखा अब टू पॉइंट देखते हैं क्या है द एरोप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ फाइव हंड्रेड किलोमीटर पर आवर टू दॉर्थ एंड अनदर एरोन ट्रेवलिंग फाइव हंड्रेड किलोमीटर पर आवर टू दस्टरेंट फ्रॉम हियर स्पीड इज द सेम बट इन सेकेंड में क्या बोला गया द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट ठीक है दैट मीन्स की यहाँ पे एरोप्लेन की जो स्पीड है ट्रेवल कर रहा है फाइव हंड्रेड पर फाइव हंड्रेड किलोमीटर एक घंटे में वो कितना स्पीड है उसकी 500 किलोमीटर की ठीक है कहाँ पे नॉर्थ एंड दूसरा जो एरोप्लेन है वो 500 किलोमीटर पर आर लेकिन यहाँ पे उसका यहाँ पे डायरेक्शन uh, क्या है ईस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तो यहाँ पे भले से क्या हो रहा है कि उसकी जो रफ्तार है वो दोनों की सेम है लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है ठीक है तो यहाँ बोला गया ना स्पीड इज़ सेम बट द इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ डिफरेंट ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स वाई इज इट वाई इज द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लान तो ये तो रीजन किसका है क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है मास पे ठीक है तो इसे ही क्या बोलते हैं वेट जब वेन एनी ऑब्जेक्ट जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींचता है तो so, अट्रैक्ट होता है अट्रैक्ट सेंटर ऑफ द अर्थ जो कौन इसे अट्रैक्ट करता है सेंटर ऑफ द अर्थ दिस इज कॉल्ड इट्स वेट ऑन द अर्थ बट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स मे बी ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड दे आर फॉर द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स तो हर प्लैनेट्स पे अलग होता है ठीक है अब अर्थ पे प्लैनेट अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है बट तो जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वहाँ पे उन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कम है वहाँ पे कहीं पे कम है कहीं पे मान लीजिए अगर ज़्यादा ठीक है हमारे अर्थ पे सब ज़्यादा यहाँ पे क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है अब मून पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं तो वहाँ पे क्या होगा उसी चीज का वेट वे हम क्या है मास तो वो क्या होगा डिफरेंट होगा वर्ट प्रिकॉशंस विल यू टेक टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट इन डे टू डे अफेयर्स सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज वाइल टेकिंग एनी मेजरमेंट क्या प्र, प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज का ठीक है एक्यूरेट मेजरमेंट इन डे डे टू अफेयर्स सो so, इंस्ट्रूमेंट कैसे होने चाहिए प्रॉपर होने चाहिए साइंटिफिक प्रोसीजर होना चाहिए इसका सो so, जैसे कोई भी चीज आप लेने जाते हो खरीदने जाते हो तो उसकी बात कर रहे हैं वी मस्ट चेक दैट द थिंग्स विच वी बाय जो हम खरीद रहे हैं वो कैसे उसकी वेइंग कैसे हो प्रोपरली हो ठीक है स्टैंडर्डाइज्ड वेट होना चाहिए ऐसे हाथ हाथ से नाप के दे देते हैं या फिर ऐसे ही जो वो बाट रखते हैं वो पत्थर वत्थर भी रख लेते हैं तो वो रख देखना चाहिए हमें कि वो एक किलो का वो जो होता है लोखंड का आयन का वो हो एक, नहीं है ठीक है शॉपकीपर या हॉकर्स क्या करते हैं बैलेंस उन्हें बनाना चाहिए ठीक है वी मस्ट कन्फर्म दैट दिस बैलेंस कैरी द स्टैम्प ऑफ स्टैंडेशन द बैलेंस शुड बी जो बैलेंस उनका होता है बैलेंस यानी जो तराजू होता है जिस हम कहते हैं तो वो कैसा होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए ठीक है विद इट्स पॉइंटर इन द अपराइट पोजिशन वो एकदम अपराइट पोजिशन में होना चाहिए और एकदम बराबर होना चाहिए वो जो उनके तराजू होता है बैलेंस होता है द अंडर साइड ऑफ द बैलेंस शुड बी चेकड फॉर एनी टेम्परिंग डन द वेट्स यूज शुड बी ऑफ प्रॉपर मेटर्स प्रॉपर मेटर होना चाहिए और उसके नीचे कुछ लगा नहीं होना चाहिए ठीक है वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट क्या डिफरेंस होता है मास और वेट में तो यहाँ पे डिफरेंसेस उसके थ्री थ्री पॉइंट दिए गए हैं ईजी पॉइंट्स हैं एंड ये आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हो ठीक है ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है बहुत ही डिटेल में ना फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स द एरर्स डेट ऑकर्ड वाइल मेकिंग मेजरमेंट सो देखिए कई सारे यहाँ पे एरर्स होते हैं मेजरमेंट के टाइम पे यहाँ पर देख दिया गया है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है और उसमें भी सब पॉइंट्स हैं आप देख सकते हो थर्ड पॉइंट तक सब पॉइंट्स हैं उसके फर्स्ट यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे है, और सेकंड पॉइंट में भी कई सारे पॉइंट्स हैं आप देख सकते हो सो so, मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ फटाफट वर्कबुक में लिख लीजिए ओके okay, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना ओके okay, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट वाइज ओके वीडियो ज़रूर लाइक कर देना अपने फ्रेंड साथ शेयर कर देना और वीडियो एंड तक देखना डाउनलोड ना करके आप इन तक देखना पूरा ऑनलाइन नेट से ही तो इससे क्या होगा आपका ये जो चैनल है उसे भी हेल्प मिलेगा ग्रोथ इसके ग्रोथिंग में और ओके okay, इसके डेवलपमेंट में एक्सप्लेन द नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट एंड द डिवाइस टू बी यूज फॉर दैट आंसर यहाँ पे दिया गया है पॉइंट वाइज ठीक है मैं आपको बार बार बताती कि आपको पॉइंट्स कैसे करना है एक के नीचे एक लिखना है मिक्सअप नहीं करना है जैसे कि यहाँ पे मिक्सअप देखिए आप सारे पॉइंट्स को मर्ज कर दिए हैं एक ही में तो तो डाइजेस्ट है वो तो इस तरीके से लिखेंगे लेकिन आप जब पेपर में लिखोगे तो इस तरीके से नहीं लिखना है ठीक है पॉइंट्स नीचे होने चाहिए हाउ इज़ सेकेंड स्टैंडाइज्ड सो सेकेंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ़ द अर्थ इज़ मेजर्ड बाई मीनस ऑफ एन अक्यूरेट डिवाइस सो दिस टाइम इज टेकन एज ट्वेंटी फोर आवर्स दिस इज देन स्टैंडाइज्ड वन आवर इज़ कंसिडर टू हैव सिक्सटी मिनट्स यहाँ पर देखे दिया गया है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमें पता है सो आप देखोगे चैनल के प्ले में तो आपको साइंस का एक्सप्लेशन वाले सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे अगर एक आग छूट गया होगा और अगर आपको चाहिए तो आप कॉमेंट सेशन बता देना मैं उस पर भी बना दूंगी और कोई क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो फिर आप बताना ये आपने कमेंट किया किसी स्टूडेंट ने इसीलिए मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ठीक है आपको और आगे कोई चल के वीडियो चाहिए एग्जाम आपका आने वाला है तो कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पहले ही बता दीजिए मैं जरूर बना दूंगी गिव रीजन इट इज़ नॉट प्रॉपर टू मेजर क्वान्टिटीज बॉडी पार्ट्स एज यूनिट्स सो यहाँ पे आंसर देखिए बहुत ही सिंपल आंसर दिया गया है दो लाइन का है सिर्फ इट इज नेसेसरी टू गेट द वेट्स एंड मेजर स्टैंड एट रेगुलर इंटरवल्स सो इसका आंसर यहाँ पे देखिए ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज द वेट्स एंड द वेइंग apparatus may lose their standardization. Using such devices may result into malpractice. Therefore it is necessary to get the weights and measures standardized at regular intervals. Our mass is same on both the moon and the earth. use why brain should why would the weight of an object be maximum at the pose and minimum? एट द इक्वेटर इक्वेटर पे कम क्यों होता है मैं और आ, जो पोल है ठीक है नॉर्थ और साउथ पोल तो वहाँ पे वेट ज्यादा क्यों होता है किसी ऑब्जेक्ट का तो देखो द अर्थ इज नॉट अ कम्प्लीटली स्फेरिकल प्लान कम्प्लीटली एकदम ऐसे नहीं मतलब एकदम स्फेयर नहीं एकदम सर्कल शेप में नहीं है थोड़ा सा यहाँ पे बल्ज है ठीक है कुछ इस तरीके से है ओके सो इक्वेटर देयर इज स्लाइट डिप्रेशन डिप्रेशन ऑन बोथ द पुलार रीजन मतलब यहाँ पे जो अर्थ है ना तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से है थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से चपटा है थोड़ा सा सो इक्वेटर ऑन द अदर हैंड इज स्लाइटली बल्ज मैंने पहले ही बताओ थोड़ा, थोड़ा जो हमारी अर्थ है उसका मैं आपको आपने देखा होगा ठीक है सिक्स स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड में आपने अच्छे से जियोग्राफी में पढ़ा है कि जो अर्थ है थोड़ी सी कुछ इस तरीके से है यहाँ पे थोड़ा सा बल्जी है इस तरीके से निकला हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से है ठीक है डिप्रेशन है और यहाँ से निकला हुआ है सो so, क्या होता है देर फॉर द इक्वेटोरियल रेडियस इज़ लिटिल मोर देन द पोलर रेडियस तो यहाँ पर जो रेडियस है ना वो पोलर रेडियस से ज़्यादा है यहाँ द ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ जीरो ओके ग्रेविटेशनल एक्सीशन जो है ना सेंटर में अर्थ का वो ज़ीरो है ओके सो यहाँ पे देखिए दिया ग्रेविटेशनल फोर्स एट द इक्वेटर इज ग्रेटर देन दैट एट द पोल्स ओके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इक्वेटर का इक्वेटर यानी बीच का जो अर्थ का बीच का पार्ट है ये ज्यादा क्या है यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे, है यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जबकि ओके देन दैट ऑफ एट द पोल्स देर फोर ईयर वेट इज जीरो ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट वेट मोर ऑन द पोल्स तो इसलिए इसका इस तरीके से यहाँ पे बताया गया वाई इज द वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाई आल्टीट्यूड लेस देन इट्स वेट एट द सी लेवल आंसर यहाँ पे है आप देख सकते हो बोला गया है कि जो वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो हाई अल्टीट्यूड पे कम हो जाता है जबकि सी लेवल पे इसका वेट मीन्स वाई इज द वेट एन ऑब्जेक्ट एट हाई अल्टीट्यूड लेस देन इट्स वेट एट सी लेवल सी लेवल से क्यों कम रहता है सो so, देखो यहाँ पे द वेट विल भी लेस एट द प्लेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है वहाँ पर किसी चीज का वेट भी कम रहेगा एज द ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ओ बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट राइजेज टू हायर अल्टीट्यूड जब कोई भी ऑब्जेक्ट हायर अल्टीट्यूड पर जाएगा सो इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ सो अर्थ के सेंटर से ये दूर हो रहा है सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा हायर हायर अल्टीट्यूड पे कम हो जाएगा कंपेयर टू दैट द सी लेवल सी लेवल पे ज़्यादा रहेगा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसीलिए दे फोर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाई अल्टीट्यूड लेस किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे लेस कम हो जाएगा देन इट्स वेट एट द सी लेवल सी लेवल से ठीक है उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कुछ इज एन एटॉमिक क्लॉक उसका आंसर दिया गया है हाउ इज़ द velocity ऑफ लाइट यूज फॉर determining द स्टैंडर्ड मीटर इसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस आप तब कर सकते हो अच्छे से जब जितने ऊपर हैं वो अच्छे से आपने पढ़ लिया तो नीचे क्वेश्चन जो ओरली देना है आप दे सकते हो आई एंड फाई द रॉन्ग मैथड्स ये तो आप इजिली कर पाओगे रॉन्ग मैथड ये हो गया ठीक है तो ये रॉन्ग मैथड है ओके okay, ये भी रॉन्ग मैथड है द लिक्विड इज पोर्ट फ्रॉम वन ग्लास टू अदर देयर इज़ नो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट पहले के टाइम में लोग क्या करते थे अपने एक लोटे से दे देते दे थे मिल्क बोलते थे ये एक किलो का लोटा है ये आधे किलो का लोटा है ये ग्लास एक एक पाव का है तो उससे वो माप के चीज़ें दे देते दे थे, थे तो वो क्या सही है नहीं जो स्टैंडर्डाइज जो दिया गया मेजरमेंट उसी से हमें करना है अब ये चीज़ें जो है जैसे अब ये यहाँ पे बीच से माप रहे हैं तो ये क्या है रॉन्ग इस यहाँ से मापना है ठीक है तो ये राइट है और ये जो बैलेंस है ठीक है तो ये राइट है ओके सो अब यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए ओके सो आपको कोई डाउट रहे तो आप पूछ लेना ओके नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में ओके